नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल ब्लॉगर भाई पे। तो कैसे हैं आप सब लोग, एक बार फिर से मुलाकात हो रही है आप लोगों से 2 से 2.5 साल बाद। ठीक है, इतने दिन मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, ये सब बातें एक दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लाइफ एकदम से चेंज हो चुका है, बट अभी का जो मेन टॉपिक है वो इस ब्लॉग का है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को तो तारापीठ मंदिर के बारे में पता ही होगा, जो कि खड़गपुर से करीबन 250 किलोमीटर के दूरी पर है। तो कभी अगर आप लोगों का मन हुआ तारापीठ जाने का, और अगर आप टाइम बाउंडेशन की वजह से या फिर कोई भी काम की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो पासी में एकदम हाल फिलहाल में 2 से 3 साल पहले ही पासकुड़ा में एक तारापीठ मंदिर खुला, जिसका नाम ही है सेकंड तारापीठ मंदिर। मैं लोकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो वहां पे जाके आप लोग अपना जो मन का तमन्ना है वहां पे पूरा कर सकते हैं, अपना जो भी प्रेयर्स हैं माँ तारा को बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं। कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, A to Z आप लोगों को सब डिटेल्स दूंगा। कूपन कैसे काटना है, फ़ोन नंबर, कूपन टाइमिंग, फूड, मंदिर का जो ओपनिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम है, मंदिर दिन में एक बार बंद होता है। ठीक है, उसका भी मैं आप लोगों को डिटेल अच्छे से दूंगा, कब खुलता है, कब होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एंड हम लोग जा रहे हैं बाइक एंड स्कूटी लेके। ठीक है, हम लोग कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले रहे, क्योंकि एकदम पास है, यहाँ से ओनली 43 to 45 किलोमीटर दूरी है, तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। साढ़े 11 बज रहा है। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा पैकिंग बचा हुआ है। पैकिंग बोलने से कुछ भी नहीं है, अभी जैसे कि रेनी सीज़न है तो रेनकोट तो मस्ट कैरी करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ हेलमेट वगैरह थोड़ा क्लीन कर ले रहा हूँ। ठीक है, गोप्रो को चार्ज कर दूंगा, बाकी सब कैमरा माउंट्स, माइक्स, ये सब घुसाना है। एंड ये वाला जो मैंने स्पेशल लिया स्कूटी का मोबाइल होल्डर, इसका प्राइस आप लोग ज़रा गेस कर दीजिएगा। अच्छा, क्या गेस करेगा बताइए। तो ये मैंने सिर्फ 134 रुपीज़ में ख़रीदा है शॉपसी से। ठीक है, टेस्ट करेंगे, इसका भी रिव्यू देंगे आप सभी को। तो फिलहाल मैं सो जाता हूँ एंड मिलते हैं कल सुबह एकदम मॉर्निंग को मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। टिल देन बाय, गुड नाइट। आज के ट्रिप, एक और ट्रिप पे निकल चुका हूँ आज। एंड दिन काफ़ी सुहाना है, काफ़ी सनी सा डे है। ये मौसम एकदम जो है दुर्गा पूजा वाला है। दुर्गा पूजा आने में ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है, कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो आज का ट्रिप जो होने वाला है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल के माध्यम से, बट फिर भी फिर वीडियो आप लोग पूरा देखेगा, क्योंकि A to Z डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा कि पासकुड़ा के तारापीठ मंदिर में कहाँ कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। ठीक है, वो कूपन कहाँ से लेना है, ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, पूजा टाइम, एवरीथिंग आप सबसे शेयर करूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। एंड आज मैं चला रहा हूँ अपने फर्स्ट लव इल्लो रानी, मतलब नीरो प्लेजर को। एंड चलते हैं, और मेरे साथ मेरी पिलियन भी है आज। ठीक है, काफ़ी स्पेशल पिलियन आप लोगों ने पहले भी इस वीडियो में देखा होगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड चलिए चलते हैं। यहाँ से खड़गपुर से करीबन 42 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है ये मंदिर। ठीक है, अभी हम लोग रुक चुके हैं हमारे फर्स्ट स्टॉप ब्रेकफास्ट के लिए खड़गपुर से कुछ 30 to 35 किलोमीटर हाफ वे डिस्टेंस पे हम लोग रुके हैं माँ तारा रेस्टोरेंट में। आज हम लोग माँ तारा के पास ही जा रहे हैं, तो कोइंसिडेंटली आज माँ तारा रेस्टोरेंट के सामने ही रुक चुके हैं। तो ये है रेस्टोरेंट, एंड चलिए अंदर चलते ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर से निकलते हैं। एंड मिलिए हमारे पिलियन से, हमारी नानी, प्यारी नानी, आपने पहले भी देखा होगा इनको। ठीक है, एंड ये हमारे मेसो एंड मासी, हम लोग सब जा रहे हैं। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, निकलते हैं हम। अब देखते हैं, एक स्टॉप मारेंगे नहीं तो 2 स्टॉप मारेंगे। ठीक है, ये था होटल माँ तारा हिंदू होटल। ओके, तो गाइस हम लोग हाईवे से नीचे उतर चुके हैं, घाटाल पासकुड़ा एक्सप्रेसवे के पार नीचे। ठीक है, अब यहाँ से लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के बाद थोड़ा सा गांव के इंटीरियर वाले रास्ते से होके हम लोग पहुँचेंगे। ओके गाइस, एक गड़बड़ हो गया है, हम लोगों को जो पुल था वो नहीं पार करना था, हम लोगों ने कर लिया, और फिर से यू टर्न ले लेते हैं। क्या है नीचे, हो नदी है,
छोटा सा एक नदी बोलना चाहिए, पर नदी तो है एंड यही वाला रोड था क्या? तो यही वाला रास्ता था जो कि हम लोगों ने पार कर दिया था गलती से, एंड ऑफ रोडिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, काफ़ी कचड़ा वाला रास्ता है यार, पूरी बाप रे ये क्या है भाई, ये सीन मैं पहली बार देख रहा हूँ। मर्दों को काफ़ी देखा है, मर्दों को मैंने काफ़ी बंदल मतलब लड़कों को देखा है ऐसे झूल के जाने में, ये आंटी लोग ऐसे झूल झूल के जा रही है यार, तो पहली बार देख रहा हूँ भाई, खतरनाक है भाई, इनका स्पिरिट का दाद देना पड़ेगा हमें, वो भी बोलोगे ना तो स्पिरिट है यार इनका, नहीं तो ऐसे खड़े खड़े जाना के कोई मुँह का बात है, है इतना ईजी थोड़ी है। हम लोग यहाँ पर ऑफ रोडिंग कर रहे, पास से देखेगा इस कितना सुंदर नदी बह रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं मंदिर के पास जाके कि नदी में उतरा जा सके, क्योंकि एंड देखिए यहाँ पे काश फुल भी भर्ती हो चुका है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि दुर्गा पूजा आने वाले है गाइस, फुल मौज बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए नदी एकदम शांत सा नदी है, बह रहा है एकदम पास से, नानी पीछे से बोल देगी काश फुल है जानी काश फुल देखे थी कि, तो ऐसा कुछ गेट दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बंगाली में लिखा हुआ है, यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ है श्री श्री तारामा मंदिर इस साइड में, तो चलिए चलते हैं इसी साइड। ठीक है, यहाँ से तो कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया यार, एंड मंदिर का फर्स्ट लुक हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे मिल चुका है। जय माता रा कमेंट में हम लोग जय माता रा लिखना ना भूले। अगर आप लोगों का मन है यहाँ पे आके भोग खाने का, तब स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे आप लोगों को प्रीवियस डे कॉल करके भोग बुक करना पड़ेगा, एंड जिस दिन आप लोग आ रहे हैं उस दिन इसी काउंटर से आप लोगों को फिजिकल टिकट लेना पड़ेगा, पर हेड 51 रुपीज़ पड़ेगा, कोई भी एडवांस पेमेंट का ज़रूरत नहीं, ऑन द स्पॉट पेमेंट होगा। तो अगर आप हम लोग बात कर लेंगे मंदिर के टाइमिंग का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, तो स्क्रीन पे एक फोटो आ रहा होगा, इसमें आप लोगों को डिटेल वे में सब लिखा हुआ मिल जाएगा, कब ओपन हो रहा है कब क्लोज हो रहा है, एंड तीनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा पॉज करके रीड कर लीजिएगा। मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ, ठीक है, अभी का वेदर एकदम मैजिकल टाइप का हो गया, एक साइड में सनलाइट है तो दूसरे साइड में डार्क क्लाउड्स है, ठीक है, मतलब बहुत भयंकर वेदर हो गया, ठीक है, एकदम मैजिकल वाला, मतलब क्या बोला, आज सच में माता रानी ने हम लोग को सच में एक इनविटेशन दिया है हमारे घूमने के पास आने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन आने पर। ठीक है, एक बार जस्ट वेदर आप लोग चेक आउट, इस साइड में जैसे कि
सनलाइट है एंड इस साइड में देखिए क्लाउड्स है, कितना मस्त सा वेदर हो गया। एक वेदर देखिए एंड लैंडस्केप जो इतना ब्यूटीफुल है ना गाइस, कुछ कहना नहीं है, बस कुछ भी कहना नहीं है, इतना मस्त लैंडस्केप। बारिश स्टार्ट हो गया गाइस, ठीक है, बहुत जोर से बारिश होने वाला है एंड मंदिर का द्वार भी काफ़ी बंद ही हो गया है, बोल सकता था अभी भगवान के रेस्ट का टाइम है। ये जो मंदिर के ठीक पीछे में आप लोग जो घर देख रहे हैं, यहीं पे भोग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो अगर आपको भोग लेना तो सामने काउंटर है जहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा पहले रिसीट, ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको आना पड़ेगा खाने के लिए। एंड वेदर बहुत मैजिकल हो गया है, ठीक है, फॉलो ना, एंड बारिश काफ़ी तेज हो गया है, ठीक है, अंधेरा हो गया चारों तरफ, चलिए फटाफट भागते हैं एंड खाने बैठते हैं। मंदिर है एंड मंदिर के ठीक राइट साइड में खाने का सब व्यवस्था है एंड लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह सब का आपको ये मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया, पानी वानी सब है, क्लीन है। तो फाइनली हो चुका है हम लोगों का दर्शन एंड भोग खाना हो गया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, यहाँ पे रेस्ट करने का जगह था एंड हम लोग निकल रहे हैं। अभी मौसम जो है थोड़ा हल्का क्लाउडी से ठीक ठाक हो रहा है, सनलाइट सन एकदम गिर चुका है, ठीक है, ढक चुके, क्लाउडी वेदर हो गया, बट बारिश नहीं है, बारिश होने का संभावना है, चिंता नहीं, रेनकोट हम लोग लेके आए हैं। तो अब मिलते हैं सीधा हाईवे पे क्योंकि काफ़ी ऑफ रोडिंग करना है, बाकी पूरा रास्ता जो है मंदिर तक का काफ़ी अच्छा है, बट वही है दिक्कत ऑफ रोडिंग का। चलिए मिलते हैं हाईवे पे। और इस तरफ जो ये देख रहे हैं ये रोज गार्डन है, ठीक है, यहाँ पे विभिन्न टाइप का रोज मिलेगा, और एक भूनिया नर्सरी रोज गार्डन है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। ये गाइस ये वाला रोज गार्डन है, कितना तरह का रोजेस सब है, वो दूर में देखिए भरती भरती है रोज का पेड़, अभी तक खिला नहीं है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरा वाटर क्रॉसिंग, लेट्स क्रॉस इट, फुल ले लद्दाख वाइब, फुल ले लद्दाख वाइब। अब हम लोग फिर से हाईवे पे चढ़ने वाले थे, यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक ली रहे, थोड़ा सा थम्सअप पिए हम लोग, ठीक है, एनर्जी से थोड़ा सा नींद भी आ रहा था। 3 बजे का टाइम है अभी, अब कोशिश करेंगे डायरेक्ट घर पहुँचने का, ठीक है, आधा घंटा 40-50 मिनट का टाइम है, ठीक है, तो चलिए राइड करते हैं। तो एनीवेज हम लोग अभी डायरेक्ट खड़गपुर नहीं जा रहे, थोड़ा सा मोहनपुर से घूम के जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं क्योंकि अभी जो हैवी रेनफॉल का सीज़न है, तो आज रेन भी हुआ है, तो थोड़ा देखते हैं क्या मछली वछली उठाए कि नहीं एनीकट डैम से। तो यहाँ से हम लोग राइट ले लेंगे तो मोहनपुर चले जाएंगे, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो खड़गपुर, तो हम लोग यहाँ से राइट ले लेते हैं।
वाओ क्या सुंदर लैंडस्केप है देखिए यार। फिर ना मतलब बीच में ऐसे बाइक लगा के ना फोटो लेना चाहिए, जबरदस्त फोटो आएगा। क्या सुंदर सा लैंडस्केप है चारों तरफ देखिए गली, सुंदर सा मौसम, सुंदर सा लैंडस्केप, सुंदर सा बाइक, और चाहिए क्या जीवन में, बस आई जिंदगी सफल है। सुंदर सा राइड ये तो मैं बोलना ही भूल गया जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, आप लोग भी शायद इंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग अभी फ़िलहाल है मोहनपुर डैम के पास, ठीक है। अभी भरा बरसात का सीज़न है तो डैम जो है अभी अभी खुला है, बट जिस हिसाब से पानी का हम लोग सोच के आए थे उस हिसाब से नहीं है, बहुत ही कम है। वहाँ पे पानी है, वहाँ पे चलते हैं एक बार, वहाँ पे चल के आप सभी को दिखाते हैं कैसा पानी है नहीं है। बट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई मत रखिए, पानी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे आज। एक बात बोलना चाहूँगा आप सभी को, आज मेरा फर्स्ट राइड था मेरी बिल्लो रानी को लेके। इससे पहले मैं इतना बड़ा राइड कभी भी नहीं किया हूँ। तो बिल्लो रानी को मैंने रिसेंटली सर्विस कराया था, ठीक है। मेजर काम हुआ था, बेल्ट चेंज हुआ था, क्लच का काम हुआ था, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया बिल्लो रानी ने। पहले मैं 50-60 तक जाता था और गाड़ी का इंजन इतना धर करके आवाज़ करता था ना कि लगता था जानो अभी फट जाएगा गाड़ी, इंजन सीध हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। बट अभी बिल्लो रानी जा रही है 70-75 तक जा रही है टॉप स्पीड, ठीक है। वो भी डबल कैरी विथ बैग, विथ मैं नानी सब लोग को। 70 मेरा क्रूजिंग स्पीड था पूरे ए का, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया बिल्लो रानी ने, ठीक है। अगर कोई कहता है कि स्कूटी लेके टूर नहीं कर सकेगा तो वो एकदम बेवकूफ़ है, मतलब ऐसा भी नहीं बोलना बेवकूफ़ है, मतलब कर सकते हैं हम लोग स्कूटी लेके भी टूर कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट टूर था, मैं तो R15 लेके टूर करता हूँ, ठीक है। लोग अभी और डैम के उस साइड नहीं जा पा रहे क्योंकि पूरा रास्ता जो है वहाँ का ना कीचड़ कीचड़ हो गया है एंड जर्नी काफ़ी ज़्यादा हो गया आज के लिए। तो हम लोग आज का राइड यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले एक बार नानी से पूछते हैं, ठीक है। उनका एज करीबन 70+ हो गया है। आज 60-120 किलोमीटर तो उन्होंने राइड किया, के लिए कैसा लग रहा है आपको, कैमन लग छे? खूब भल लग छे। शरीर को कष्ट असुविधा नहीं? नहीं कुछ नहीं, एकदम अच्छा है। अच्छा, हिंदी परफेक्ट। हाँ, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। सब लोग एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय माता रा। मिलते हैं फिर एक और दूसरे वीडियो में।